सो हाय टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पहले की तरह आप देख रहे हो कि इंट्रो बहुत लेट शूट हो रहा है, कि एक्चुअली क्या है यार, मोस्टली जो प्लान होते हैं ना वो सडनली ही होते हैं। तो अभी मैं और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, यानी हम तीन लोग फैमिली के साथ, मेरी फैमिली छोटी सी, हम लोग जा रहे हैं। सडनली प्लान बनाया तो मथुरा और वृंदावन का प्लान बना था, और इस वक्त तो मैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जस्ट मेरे पीछे ट्रेन खड़ी हुई है, और अभी टाइम हो रहा है समथिंग 6 बज रहे हैं, तो वही 9 बजे के अराउंड हम पहुंच जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी जर्नी रहेगी, वैसे वैसे आपको वहाँ का व्यू, मथुरा के बारे में आपको जो भी है वहाँ की चीज़ें, वहाँ का कल्चर, और भी जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ का आपको दिखाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बताएंगे। कुछ लोग नहीं गए होंगे तो वो लोग ब्लॉग में देख के अपना कान्हा जी के दर्शन करना, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना जैसे आप लोगों ने अभी तक बनाया हुआ है। और बहुत से लोग हैं यार जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिस तरह प्यार बनाए रखा है उसी तरह प्यार बनाए रखना। बाकी जो जर्नी आपको दिखाते हैं साथ साथ, और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ जा रही है घूमने? कहाँ जा रही है? वृंदावन, मथुरा। तेरा नाम पुत्री है? पुत्री है तेरा नाम? तेरा नाम तो लड्डू है। लड्डू कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? बता दो तो कहाँ जा रहे हो? दोस्तों आ गए हम मथुरा, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं समथिंग। ये हमारा लड्डू है, ये लड्डू हमारा सोए ही नहीं है, पूरे रास्ते दुखी करते हुए आए हैं हमें, और बहुत मज़ा भी आया। बाकी यहाँ ठंड ज़्यादा हो रही है भाई। अब यहाँ से रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं श्री कृष्ण की नगरी में, और अब तो रात हो रही है, मॉर्निंग में दिखाते हैं आपको सबको वहाँ का नज़ारा। तक आप बने रहिए और ब्लॉग को इन्जॉय करिए। यहीं से यहाँ, मतलब यहीं से उठाएगा, यहीं छोड़ देगा। गोवर्धन के एंट्री गेट पे आ चुके हम। लड्डू महाराज जो है अभी तक सोए भी नहीं है, पता नहीं आज कौन सी गोली खाई है जो वही सो के राजी नहीं हो रही है, और गाना गा रहा है। देखो कौन सा गाना गा रहे हो? खेलने के मूड में भाई, बैटरी पूरी चार्ज है इसकी। परिक्रमा मार्ग पे तो आ चुके हैं हम रात में, बट परिक्रमा तो अब मॉर्निंग में ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी रात में ही गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर ओपन है, जस्ट मेरे पीछे देखो कम भीड़ है, तो हमने सोचा क्यों ना अभी दर्शन कर लें बाबा के। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया है और हम चल रहे हैं, और लड्डू भी हमारा सोया नहीं है, पूरी मस्ती में है अभी, तो आके प्रसाद ले लिया है और चल रहे हैं बाबा के दर्शन करने, और आपको दिखाते हैं। क्योंकि सुबह तक क्या है दोस्तों, जैसे कि काफ़ी भीड़ हो जाएगी तो मज़ा भी नहीं आएगा,
अच्छे से दर्शन अभी हो रहे तो अभी कर लेते हैं, मॉर्निंग में टाइम मिला तो मॉर्निंग में करेंगे, बाकी चलते हैं और देखते हैं। भाई रात में दर्शन कर लिए हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि सुबह तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब कोई चांसेस बहुत कम रहते हैं अच्छे से दर्शन करने के लिए, इसलिए हमने रात में कर लिए। आप चाहे सुबह हो या ना हो, लेकिन रात में कर लिए हमने और लड्डू ने। हाँ तो बस यही बता रहा था कि दर्शन हम लोगों को हो चुके हैं अच्छे से, और अब हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता करते हैं। मतलब नाश्ता तो क्या यार, खाना ही खाते हैं, सुबह से निकले हैं कुछ नहीं खाया, खा पी के अपना धर्मशाला हमने ले लिए, अब वहाँ स्टे करेंगे, 4 से 5 घंटे सोएंगे, फिर सुबह उठते ही परिक्रमा के लिए निकलेंगे और सुबह आपको दिखाते हैं। बस बने रहिए और व्लॉग को देखते रहिए, और कमेंट में श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए, हरे कृष्णा।